गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बढ़िया, वेरी गुड। तो हमारे दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? हम ईश्वर को धन्यवाद देके सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और मैम के साथ दोहराएंगे, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम अब हमारी पढ़ाई शुरू करेंगे और सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि जो हमने पढ़ लिया है ना, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। हमने पाठ 7 सर्वनाम पिछली बार पढ़ा था, है ना, और इसके प्रकार भी पढ़े थे, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और निजवाचक, और इन सब के बारे में हमने विस्तृत में समझा था। आज हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो सभी अपनी अपनी पुस्तक निकालें और अपनी पुस्तक का पेज नंबर 147 निकालें, ठीक है? सभी लोग निकालेंगे पुस्तक का पेज नंबर 147। हमारा पहला प्रश्न हमेशा होता है सही विकल्प। वह मंदिर गई, मैं सर्वनाम है। वह मंदिर गई, तो सर्वनाम क्या है? वह, हमें पता है सर्वनाम वह, मैं, तुम, यह, है ना, आदि है। तो क्या आएगा सही उत्तर? पहले का वह, वह पे आप क्या लगाओगे? क वाले का अ और सही विकल्प, है ना। सभी लोग टिक लगाएं। अब हम आएंगे ख। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 4, 6, 9, है ना। तो हमें पता है कितने हैं? 6। तो ब आंसर ख का, वो आंसर, इस पे हम लोग क्या लगाएंगे सही का निशान। अब हम आएंगे ग। आपसे कोई मिलने आया है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? व्यक्तिवाचक, अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक। देखिए, कोई मिलने आया है तो कोई निश्चित नहीं है इसमें, है ना। तो क्या आएगा ग में भी? ब, अनिश्चय, है ना। कोई आया मतलब फिक्स नहीं है कि कोई कौन आया है, तो अनिश्चयवाचक पे आप लोग क्या करेंगे? सही का निशान लगाएंगे। अब हम आएंगे घ। इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है? कुछ, कौन, वह, हमने पढ़ा था ना पुरुषवाचक में यह, वह, ये, वो आता है, तो कौन सा आएगा? वह। कुछ और कुछ तो आपको पता है कि निश्चयवाचक में है, अनिश्चयवाचक में है, सॉरी, तो इसमें स वाला आएगा, वह। और कोई किस में आता है? प्रश्नवाचक में। अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? आप, मैं, कौन। जहां हम प्रश्न की बात करते हैं तो वहां क्यों, क्या, कैसे, कौन, ये सब प्रश्नवाचक में आते हैं, तो स पे हम लिखेंगे कौन। सब लोग टिक लगा लीजिए, सिर्फ टिक लगाना है, लिखना कुछ नहीं है आपको, आपकी बुक में सारा है। ठीक है, इतना समय काफी है, केवल टिक लगाना था।
अब हम आएंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सर्वनाम किसे कहते हैं? हमारा उत्तर क। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो उत्तर है संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हमें सिर्फ सर्वनाम की परिभाषा लिखनी थी, अभी उसके उदाहरण नहीं लिखने थे। अब सर्वनाम के कितने भेद हैं उनके नाम लिखिए। उत्तर दो लिख लीजिए आप लोग। उत्तर पे हम आएंगे। सर्वनाम के छह भेद होते हैं। अब देखिए, आपके पास बुक में जगह नहीं है इतना लिखने की, तो ये सारी चीजें आप अपनी क्लास व कॉपी में लिख लीजिए, है ना, क्योंकि आपके पास पर्याप्त जगह नहीं है। अब उनके नाम भी लिखना है हमको, है ना। तो आपके पास क्लास वर्क कॉपी है, उसमें आपको लिखना है सिर्फ ये प्रश्न उत्तर, बाकी चीजें नहीं लिखनी है। वरना आप क्या करते हो, मैम ने बोला है तो प्रश्न उत्तर के साथ साथ सारी चीजें लिख लोगे, सब नहीं लिखना है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष वाचक सर्वनाम नंबर दो, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक सर्वनाम नंबर तीन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम नंबर फोर, संबंधवाचक सर्वनाम नंबर फाइव, प्रश्नवाचक सर्वनाम और आखिरी में लिखेंगे निजवाचक सर्वनाम। अच्छी सुंदर राइटिंग में वन फिंगर डिस्टेंस लेके लिख लीजिए आप लोग। बोल बोल के लिखेंगे।
चलिए प्रश्न एक आप लोगों का हो गया होगा, बोलना है और लिखना है बेटा, है ना। मैम समय दे रही है इसका मतलब है कि आपको अभी ही लिखना है ना। तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे आज, क्योंकि प्रश्न उत्तर और भी हमारे पास है, बड़े हैं, सेम हो जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम एक क्वेश्चन और लिख लेंगे, निश्चयवाचक तथा अनिश्चयवाचक की परिभाषा। आप इतना लिख लीजिए, फिर मैम लिखती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला लिख रही हूँ। क्योंकि आप सारा एक साथ लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। सबके उत्तर एक जैसे लगने लगेंगे आपको, लेकिन उनके नाम से उन्हें समझो और उन्हें याद करो, डटना नहीं है। अब है ग, उत्तर ग। आप लोग नीचे का करिए पूरा। निश्चयवाचक सर्वनाम तथा अनिश्चयवाचक की परिभाषा लिखनी है। तो पहले हम लिखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक सर्वनाम, डैश करना है इस तरह से इसे, क्योंकि इसकी परिभाषा लिख रहे हैं हम लोग। जो सर्वनाम शब्द किसी, जो सर्वनाम शब्द किसी दूर और पास के, सर्वनाम शब्द किसी दूर और पास के निश्चित व्यक्ति के, निश्चित व्यक्ति कॉमा लगाएंगे, वस्तु या घटना का बोध कराए उन्हें। मेरे ख्याल से हो गया होगा आपका, क्यों आपको नीचे नाम ही लिखना था, है ना। अगर नहीं आया तो स्क्रीनशॉट ले लें। आज थोड़ा सा टाइम की कमी दे रही हूँ, लेकिन आदत भी होना चाहिए इस तरह की भी आप लोगों को, है ना। क्योंकि इस तरह से सिलेबस करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे हम लोग, ठीक है। और जल्दी ही आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, इसके बारे में भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुन ले सभी। उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमें सिर्फ परिभाषा लिखनी है, उदाहरण नहीं बोला है, नहीं लिखेंगे। अब इसी में है दूसरा, अनिश्चय। इसके ठीक विपरीत अनिश्चय होता है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु, देखिए सेम चीज है, व्यक्ति वस्तु, इसे आपको दिमाग से याद करना है ना। ऐसा नहीं सोचना कि अरे इतना बड़ा उत्तर हो गया कैसे लिखेंगे, लॉजिक दिमाग लगाएं और फिर करें,
की वस्तु स्थान आदि का बोध नहीं कराते वे नहीं कराते हैं वे अनिश्चय वाचक वे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहलाते हैं कहलाते हैं। बोल बोल के लिखेंगे, राइटिंग अच्छी लिखेंगे, वन फिंगर डिस्टेंस लेंगे, है ना, और बड़ा उत्तर देख के घबराना नहीं है, लिखने की कोशिश करना है बस। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज के लिए इतना ही है ना, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय।